मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन है हमारा पांचवा, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित हैं, कोण पी जो है कोण आर टी एस के बराबर है, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। तो हमको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण पी जो है कोण टी के बराबर है। कोण पी कहाँ है हमारा, कोण पी ये है, कोण टी हमारा ये है। ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं हमारे, आपस में बराबर हैं, बराबर है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलहाल हमें सिद्ध का क्या करना है, आर पी क्यू। आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इस छोटे वाले त्रिभुज के। ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें समरूपता निकालनी है इसकी। समरूपता हमारी कैसे निकलेगी भाई, हमारे कोई दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, कोई हमारे त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमारे दो कोण अगर बराबर हो गए, मान लो ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं, तो तीसरा कोण तो खुद पे खुद ब खुद बराबर हो ही जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समरूपता निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे कोणों की बात की गई है, तो हमारी कोणों की समरूपता ही यहाँ पे निकलेगी, एंगल्स की समरूपता यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज आर टी एस तथा त्रिभुज आर पी क्यू में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। एक चीज़ तो हमको दे दी गई है, कोण पी जो है हमारा कोण टी के बराबर है आर टी एस, ठीक है। पी जो है इसमें आ रहा है, तो हमें इसको चेंज कर देना चाहिए, आर टी एस हमने पहले लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर टी एस जो है बराबर है कोण पी के। तो ये चीज़ हमको दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, आर टी एस में आर आता है, आर पी क्यू में भी हमारा आर आता है, मतलब कोण आर जो है वो हमारा कैसा है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण आर बराबर कोण आर, ये हमारा कैसा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो हमने उभयनिष्ठ लिख दिया, तो हमारी दो चीज़ें बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली हमारा कोण एस ओ क्यू बराबर हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए ए मतलब एंगल एंगल, दो एंगल है ना, ए ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है, समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा, इसकी समरूपता की कसौटी से हमारा ये जो कोण त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। बस इतना ही हमें सॉल्व करना था और क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव होकर आ चुका है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं बोलेंगे। साथ ही अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो हमारे दूसरे चैनल जोजस स्टडी 2.0 पे आ जाइए। और अगर आपको साइंस पढ़नी है साइंस वाले चैनल पर आ जाइए, और हमारे ब्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।